कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की बिटिया ने एक और मेडल हासिल कर देश का नाम ऊंचा किया है। दरअसल दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली जूडो खिलाड़ी तुलिका मान ने 78 प्लस किलोग्राम में देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलिका ने इस खेल को किन हालातों में शुरू किया था? अगर नहीं तो सुनिए, ये कहानी उस सिल्वर मेडलिस्ट की है जिसने बचपन में अकेलापन देखा है, बचपन में पिता की हत्या देखी है और बचपन में ही घर की जिम्मेदारी भी संभाली। दरअसल तुलिका जब 7 साल की थी तो उनके पिता का मर्डर हो गया। उसके बाद घर में तुलिका, उनकी माँ और छोटी बहन बचे। माँ दिल्ली पुलिस में कार्यरत थी, लिहाजा ड्यूटी पर जाते वक्त माँ दोनों बहनों को कमरे में छोड़कर बाहर से कुंडी लगाकर चली जाती थी। जब शाम को माँ काम से वापस आती तब जाकर तुलिका उस बंद कमरे से आजाद होती थी। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक बार जब तुलिका की माँ ने ये बात अपने दोस्त से साझा की तो उनकी दोस्त ने तुलिका को जूडो से जुड़ने की बात कही। उसके बाद यहीं से तुलिका ने अपने सपने को उड़ान देना शुरू कर दिया। और देती भी क्यों ना, अगर पिंजड़े में बंद पंछी को आजाद किया जाए तो लाजमी है उसके उड़ान भरने के सपने बहुत ऊंचे होंगे। कुछ ऐसा ही तुलिका के साथ भी था। माँ की दोस्त की सलाह पर तुलिका ने जूडो प्रैक्टिस शुरू की। अब तुलिका के कमरे में बंद होने का सिलसिला खत्म हो चुका था। माँ रोजाना तुलिका को कोचिंग सेंटर छोड़ती, फिर शाम को ड्यूटी से लौटते वक्त वापस ले लेती। उस दौरान तुलिका ने एक दो मेडल भी हासिल किए, जिसके बाद उनकी जूडो के प्रति और भी दिलचस्पी बढ़ गई। उसके बाद तुलिका ने तय किया कि अब जिंदगी इस खेल को समर्पित कर देंगी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे वक्त का पहिया बढ़ता गया और आज आखिरकार वो वक्त आ गया जब तुलिका को पूरा देश जानने लगा। जाने भी क्यों ना, बिटिया ने देश के लिए सिल्वर मेडल जो हासिल किया है, वहीं तुलिका ने इस जीत का श्रेय अपनी माँ और अपने कोच को दिया है। तुलिका के अनुसार अगर ये दोनों उनकी जिंदगी में ना होते तो शायद वो इस मुकाम पर कभी ना पहुंच पाती। फिलहाल तुलिका का कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे गोल्ड मेडल जीतने की लड़ाई है। वो खेल के लिए खुद को समर्पित कर देंगी और गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद ही चैन की सांस लेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, नमन सत्य न्यूज़।